हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे कल की 2898 मूवी के बारे में। ये मूवी बहुत दिनों से सबका बारे में, सब लोगों का उम्मीदों से उभर के मूवी आया है। जो ट्रेलर जो दिखाया है, सब लोग जो समझ रहे थे उससे पूरा उलट आया है। क्योंकि सब लोग समझ रहे थे प्रभास और दीपिका दोनों शादी करेंगे, कुछ और करेंगे, और उससे पहले ही नाग अश्विन ने डिक्लेयर कर दिया है। वो सब बाद में बता रहेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल की 2898 ट्रायलर आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सब लोगों का लुक और कैसा दिखता है नाग अश्विन का, और इसमें उन लोगों का कैरेक्टराइजेशन का कैसा दिखता है, कैसा उनका प्रेजेंटेशन होगा, वो सब का बारे में बताया है। और ट्रायलर में आया तो चार पांच चीज़ मेन का बारे में मालूम पड़ जाता है, पूरा दुनिया ख़त्म पे आ जाती है। और 2882 से लेके 1896 तक तकरीबन 12 साल दीपिका पादुकोण ने, और उससे जैसे कि स्किन का वो कॉम्प्लेक्स का स्किन का उसके अंदर वो सब लोग प्रयोग करता रहता है। वो जैसे कि शरुगोशी के जैसा किसी को DNA को रिक्रिएट करने के लिए या उसके जैसा बनाने के लिए बहुत ट्राई करने के बाद दीपिका पादुकोण एक प्रोजेक्ट में सक्सेस हो जाती है कई जगहों से आके। उसके बाद में मालूम पड़ जाता है अश्वत्थामा, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने जो कैरेक्टर निभाया, उनको मालूम पड़ता है जैसे कि वो 6000 साल पहले जैसा अभिमन्यु का बेटे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, उस टाइम पे उनको शाप मिला होता है कृष्ण जी से। उस टाइम से सेम सिचुएशन इधर रिक्रिएट होता है, उधर बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र यूज़ किया था, ये सेम ऐसा ही है ब्रह्मास्त्र के जैसा। वो लड़की को बचाने के लिए उसको उधर खड़ा होना पड़ता है, और प्रभास को फ्यूचर में पैसा कमा के कॉम्प्लेक्स में जाके उधर जीने के लिए, वो जैसे कि चोर लोगों को पकड़ के वो कॉम्प्लेक्स को या दूसरे के लोगों को बाउंटी हंटर का जैसा काम करता है, वो बुज्जी एंड भैरवा एपिसोड्स में मालूम पड़ गया। अभी ये एपिसोड ये मूवी में और दिशा पटानी वो ब्रह्मानंदम वो दूसरा बहुत लोगों के कैरेक्टर के बारे में बताया, और कॉम्प्लेक्स का लोगों ने जैसे चटर्जी ने बहुत बड़ा बाउंटी रकम कर देता है दीपिका पादुकोण के ऊपर, उनका नाम सम 80, वो समंती के कुछ नाम बताया सुमंती, उन सब से लेके वो 1 मिलियन का यूनिट्स रहता है, वो सब रहता है। उस टाइम पे प्रभास ये चूज़ करता है मैं वो लड़की को लेके आके तुमको देगा, उसके बारे में पता करके और उसको ढूंढने के लिए जाएगा तो उधर मिलता है अमिताभ बच्चन, और प्रभास को ऐसा धोता है धोबी बछाट करने के बाद मालूम पड़ जाता है प्रभास गलत लोगों के लिए अमिताभ बच्चन जी से लड़ रहे थे। तभी मालूम पड़ता है दीपिका पादुकोण का बच्चा के वजह से पूरी दुनिया का शायद शांति बना रहता है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं। और प्रभास को ये मालूम पड़ जाता है मैं अभी तक गलत लोगों के साथ देता था, अभी मैं सही का साथ दूंगा बोल के, और शंबाला का लोगों को जो लोग अच्छाई के लिए लड़ रहा है उनके साथ खड़ा हो गया, और अश्वत्थामा का वजह से वो बदली हो जाता है। और अश्वत्थामा को बहुत थोड़ा हाइट में डिफरेंस में दिखाया, जैसे कि तकरीबन 7 फुट से 9 फुट तक लंबाई का जैसा दिखाया। और एक्शन एपिसोड्स में बहुत लोगों को वो स्पीड में और ताकत में वो सब में बहुत बढ़िया दिखाया, और तेलुगु एक्टर्स में से राजेंद्र प्रसाद पशुपति और शोभना ओल्ड एक्टर, और नया लोग जैसे इंट्रोड्यूस के जैसा दिख रहा है वो लोगों में दुलकर सलमान, तेलुगु एक्टर नानी, बहुत लोग उनमें दिख रहा है, और दिशा पटानी कौन किस तरफ रहेगा और किस तरफ से दूसरी तरफ बदली करेगा ये सब मालूम पड़ेगा मूवी में। पशुपति कैरेक्टर शंबाला का वजह से लड़ेगा, और चटर्जी यस्किन जैसे कमल हासन का चमचा रहेगा, और दीपिका पादुकोण सब मूवी का ऊपर गिरेगा, उसके ऊपर ढूंढता रहेगा। और कमल हासन का लुक का आगे बहुत बढ़िया है, जैसे थोड़ा रेफरेंस है डेडपूल से, पर बहुत बढ़िया है जैसे भारतीय में रहता है। और क्लाइमैक्स में जो एक शॉट है बुज्जी के ऊपर से निकलने का और हवा में तैरने का, वो शॉट सुपर है। मूवी अच्छा होना चाहिए, जून 27 में मिलेंगे।